सुबह में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। गर्मी से लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है और शिक्षा विभाग के एक सनकी अधिकारी के आदेश के कारण सरकारी विद्यालय के बच्चे एवं शिक्षकों के साथ अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण बेगूसराय जिले में भी छात्र छात्राओं के बेहोश होने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले के मटियानी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मटियानी में 20 छात्राएं बेहोश हो गई, तो वही बखरी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहनपुर में भी लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हुए। साथ ही अन्य मध्य विद्यालय मंझोल में एक छात्र एवं महादेव स्थान करुण में भी छात्र बेहोश हुआ। मध्य विद्यालय मटियानी में पढ़ने वाली कोमल कुमारी, संजना कुमारी, राज नंदिनी कुमारी, रजनी कुमारी, चांदनी कुमारी, सोनम कुमारी, नन्ही कुमारी, गुड़िया कुमारी, खुशी कुमारी, इच्छा भारती सहित कुल 20 बच्चों का इलाज मटियानी रेफर अस्पताल में कराया गया। कोई बकरी प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर में कृष्ण कुमार, रोशन कुमार, प्रिंस कुमार, सुधांश कुमार, केशव कुमार, गुड्डी कुमारी, पीजूष कुमार, शक्षी कुमारी, काजल कुमारी, मौसम कुमारी की तबीयत बिगड़ने की सूचना है। मध्य विद्यालय मटियानी के प्रधान अध्यापक चंद्रकांत सिंह ने बताया कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण बच्चे बेहोश हो रहे हैं। मेरे विद्यालय के सभी वर्ग कक्ष में पंखा चल रहा है, बिजली नहीं रहने की स्थिति में जनरेटर की व्यवस्था भी है। उमस भरी गर्मी के कारण बच्ची अचानक बेहोश होकर गिरने लगी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर के प्रभारी प्रधान अध्यापक कुमारी प्रतिमा सिंह ने बताया कि हाई स्कूल में कुल 345 बच्चे नामांकित है। इसके बचने के लिए मात्र 2 कमरे उपलब्ध है। चदरा का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके कारण बेहोश हुए। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक तापमान भी बढ़ गई है। पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी प्रचंड गर्मी में विद्यालय संचालन को लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब अभिभावक भी अपर मुख्य सचिव का विरोध करने लगे हैं। अभिभावकों ने सरकार एवं अपर मुख्य सचिव से विद्यालय में छुट्टी देने का मांग किया। के पाठक के सन के रवैये के कारण सभी जिले के जिलाधिकारी भी अपने शक्तियों को भूल गए हैं। इससे पहले भी प्रचंड गर्मी या हार कंपा देने वाली ठंड में जिलाधिकारी अपने स्तर से विद्यालय में छुट्टी देने का ऐलान करते थे, लेकिन वे अब अपनी शक्ति को भूल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ईवेनआई। प्रधानाध्यापक है मटियानी मध्य विद्यालय के चंद्रकांत सिंह। सर, आपके विद्यालय में जो इतना बच्चा अभी जो है सो बेहोश हो रहा है, इसका कारण क्या है? भीषण गर्मी पड़ रही है, सभी वर्ग कक्ष में पंखा जबकि चल रहा है, लाइन भी है, हम लोग जनरेटर भी चला रखे हैं, उसके बाद भी इतना भीषण गर्मी में बच्ची बेहोश होकर के गिर रही है। ORS पिलवाए फिर भी बच्चा बेहोश रहा। अंतिम में हम कम से कम 12-14 बच्चियों को यहाँ पहुँचवाए हैं। मध्याह्न भोजन भी कारण कुछ है? मध्याह्न भोजन भी करवाए थे? मध्याह्न भोजन तो बेहोश होने के बाद जब बच्चा यहाँ पहुँचवाए हैं तब 10 बजे छुट्टी देकर मध्याह्न भोजन करवाए हैं। और मध्याह्न भोजन से पहले ये सब बेहोश हो गया? हाँ, पहले हो गया, 10 बजे से पहले ही, 9:30 बजे से ही हुआ। और सरकार के तुगलकी फरमान पर हम लोग विवश हैं। अंतिम में हम मध्याह्न भोजन करा कर अभी छुट्टी दे दिए हैं अवैधानिक रूप से, मजबूरी में। गार्जियन का भी मौत पहुंच गया, बच्चा भी हमारा है बेहोश हो गया, हम विवश हो गए बच्चा को वहां से छुट्टी देने के। अभी गर्मी छुट्टी रहता था तो जबरदस्ती सरकार स्कूल खोल कर पढ़वा रही है। 38 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर ठंडा में ग्लूकोज का, उसके बाद ORS का, वो सब व्यवस्था हो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सब डॉक्टर राहुल। तो सर, एक साथ इतना सारे बच्चे, अत्यधिक सारा मामला है अत्यधिक गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से। हाँ, स्कूल खुला कैसे रहा है और पीछे स्कूल? देखिए बच्चा गर्मी में सरकार जी छुट्टी दीजिए, बेहोश बन गया है बच्चा, नहीं पंखा एक रूम में है, सब पंखा उठते हैं, बच्चा केना पढ़ेगा केना पंखा लगेगा, बेहोश बन गया है, छुट्टी दीजिए, नहीं पंखा लगाइए सब में, बच्चा बेहोश एकदम हाल खराब क्या में बच्चा खो गया है, गर्मी में बहुत हाल खराब है, कितनों लहा सुना कहता है बच्चा कुल देह भीग गया है। बोलिए इधर जल्दी बच्चा का ने छुट्टी दे दीजिए, बहुत हाल खराब है बच्चा के, कितना जतन से बच्चा घर में पढ़ाता है, पंखा इसी सब कुछ लगा लिया है, स्कूल में हाल खराब, बच्चा कुल बच्चा एकदम खाना नहीं खाता है गर्मी में,
अपना ही देख करिए अपने सरकार जी इसी में रह चाहिए अथी चलवा चाहिए हमें की करिए बच्चा उनके हाल खराब है जाए बच्चा छुट्टी दीजिए ना अब इसी सब कुछ लगाइए रूम रूम में बच्चा का तब बच्चा पढ़ेगा अने बच्चा छुट्टी दे दीजिए इतने हमारा आज मिलती है सरकार जी और हमें की कहा इतने में मुरूख है हमारा बुझा नहीं आवे है।